आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। हरियाणा में गेहूं का उत्पादन घटने की वजह से मंडियों में गेहूं की आवक 20 से 30 प्रतिशत कम रहने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन गेहूं कटाई का काम पूरा होने के बावजूद जिले भर की मंडियों में और खरीद केंद्रों पर करीब 41 लाख क्विंटल गेहूं की ही खरीद हुई है। पिछले साल 72 लाख क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ मंडियों में पहुँचा था। अब बहुत कम किसान ही थोड़ा बहुत गेहूँ लेकर मंडी आ रहे हैं। हालाँकि मंडियों में बड़े बड़े गेहूँ के ढेर लगे हुए हैं, जो किसानों से धर्म कांटे का तोल करवा कर आंटियों ने अपनी दुकानों के आगे डलवाए हुए हैं। आंटी मार्केट में गेहूं के भाव में तेजी आने के इंतजार में हैं। किसानों का मानना है कि गेहूं के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। किसानों से प्राइवेट डील्स ने समर्थन मूल्य से 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा के भाव में गेहूँ खरीदा हुआ है। किसानों को भरोसा भी दिया है कि अगर सरकार गेहूँ पर बोनस देती है तो वो बढ़ी हुई राशि भी उन्हीं को दी जाएगी। बहुत से किसानों ने घर पर भी गेहूं का स्टॉक किया हुआ है। ऐसे में 50 लाख क्विंटल से भी कम गेहूं की आवक रह सकती है। बगैर मार्केट फीस के कहीं गेहूं प्रदेश से बाहर तो नहीं जा रहा है। इसकी निगरानी के लिए पंजाब बॉर्डर पर दो जगहों पर नाके भी लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।